इस बार बिपरजॉय तूफान से पहले शहर में भरपूर पानी बरसा। प्रदेश भर में अच्छी बरसात हुई, जिसका असर यह हुआ कि पाली संभाग का सबसे बड़ा जवाई बांध अपनी भराव क्षमता को पार कर गया। आपको बता दें कि जवाई बांध बनने के बाद 9 बार ओवरफ्लो हुआ, जिसके बाद बांध के गेट भी खोलने पड़े। आपको बता दें कि साल 2017 में जवाई बांध के गेट खोले गए थे, इसके बाद अब 6 साल बाद एक बार फिर 2023 में बांध के गेट खोले हैं। बांध के गेट खोलने से किसानों को भी राहत मिली है। जल संसाधन विभाग सहायक अभियंता गणपत देवासी ने बताया कि बांध से 1830 NCFT पानी नदी में छोड़ा है। पाली संभाग की सबसे बड़ी बांध जवाई बांध में इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी का या बिपरजॉय तूफान का असर है, जिसके कारण जवाई बांध इस बार पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका था, जिसके कारण जवाई नदी में करीबन 28 दिन पहले करीबन 3 फाटकों से जवाई नदी में पानी छोड़ा गया था और विधि विधान से पूजा अर्चना कर जनप्रतिनिधियों की मौजूद में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने फाटक खोले थे। ये फाटक करीबन 28 दिन से खुले हुए हैं। अभी भी जवाई बांध से 3 फाटकों से जवाई नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पाली जालौर सिरोही के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाई बांध बनने के बाद करीबन 9 बार ओवरफ्लो हो चुका है और 9 बार जवाई बांध के फाटक खुल चुके हैं। 2017 में जवाई बांध के फाटक खुले थे, उसके बाद 2023 में फाटक खुले, करीबन 6 साल के बाद जवाई नदी के फाटक खुले, जिसके कारण पाली जालौर सिरोही के जवाई नदी के किनारे बसे किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली है और उनके कुओं का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये आने वाले समय में हरा भरा और भरा रहने को लेकर ये योजना लागू की गई है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर।